हेलो फ्रेंड, और अभी मैं हूँ मनाली का प्राइवेट बस स्टैंड वोल्वो बस स्टैंड, और अभी हमें जाना है दिल्ली। अभी टाइम हो गया 5 मिनट बाकी है, 5:15 का आपको मैं देखा था वो पीछे, और इधर वोल्वो बस स्टैंड में जाना है। करीब कल सुबह हम पहुँचेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा जर्नी मनाली टू दिल्ली वोल्वो बस। तो चलो पहले बस में बैठ के फिर सफ़र का आनंद शुरू करते हैं। से आपका दिल्ली तक करीब 550 किलोमीटर डिस्टेंस है, और हम पहुंचेंगे कल सुबह। रास्ते में हम चंडीगढ़ होके जाएंगे, और मनाली के बाद कुल्लू आएगा। कुल्लू में काफ़ी टाइम स्टे करेंगे, वहाँ से भी पैसेंजर उठाएगा। और आपको बस के अंदर देखने से पहले मैं सोचे एक बार बाहर आपको पूरा बस अड्डा दिखा देता हूँ। ये आपका प्राइवेट बस स्टैंड है, इससे पहले भी मैंने आपको देखा था गवर्नमेंट बस स्टैंड, और ये आपका इसको वोल्वो बस स्टैंड भी बोलते हैं। और हमारा जो टिकट फेयर है ये 900 रुपये है। 900 रुपये में आपको दिल्ली तक पहुँचेंगे, दिल्ली लास्ट तक। और ऐसे जाने में आपको दो ही ऑप्शन है, या तो आप बस में जाओ जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बस में भी दो ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट बस या तो प्राइवेट बस। मेरे हिसाब से बेस्ट एंड बेस्ट है कि आप प्राइवेट बस ले लो, कि गवर्नमेंट बस में टाइम ज़्यादा लगता है और फेयर भी मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही है, या तो कुछ ऐसा इतना ही है। दूसरा ऑप्शन है कि आप प्राइवेट कार में ले लो, या तो कोई शेयरिंग कार ले लो। और अगर आप कोई गाड़ी लेते हो खुद अपने लिए, तो उसका रेट भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, 13 से 14 हज़ार तक का। एक नंबर कर देता हूँ, देख लो अंदर से बसेस का। बिल्कुल अभी हमारी सीट पे जाना है, आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ सीट, चेक सीट का रिव्यू मैं देता हूँ बाद में, सीट में एक बार फीचर्स वगैरह बताता हूँ। आप अगर पहले ऊपर व्यू देख लो, अभी खाली है, अभी पैसेंजर सब धीरे धीरे आ रहा है। 5 मिनट ही हुआ, हमारा बस छोड़ दिया, अभी हम जा रहे हैं। और सबसे पहले आएगा कुल्लू। आप लेफ्ट साइड में जो देख रही हो ना नदी, जैसे पानी जा रहा है, यहाँ पे आपको रैफ्टिंग भी होता है, लेकिन उतना कुल्लू से पहले होता है, इस जगह पे नहीं है, उतना आगे जाके होगा। और मैं आपको कुल्लू तक का सफ़र दिखा पाऊँगा। उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या था कि अंधेरा हो गया था, मतलब बिल्कुल इतना अंधेरा हो गया था। उसके बाद पानी, मतलब बारिश हो रहा था बहुत ज़ोर से, तो हमने कोई वीडियो नहीं कर पाया था, तो मैं आपको आगे का सीन नहीं देख पाऊँगा। और मैं भी फिर बहुत ज़ोर से नींद आ गया था और सो गया था। और फिर एक बार रात में करीब 10 बजे के आसपास बस रुके थे एक जगह पे दावे में डिनर के लिए, तो खाने के लिए हमने रुका था। और हमेशा मेरा पसंदीदा जगह होता है कहीं जब भी हम घूमने निकलते हैं, कि ढाबा में रुकना और खाना खाना। तो आप एक बार खूबसूरत व्यू एंजॉय करो, वीडियो बहुत छोटा है, तो बड़ा नहीं है। अभी जो आप देख रहे हो ना सीन, इसी जगह पे आपका रैफ्टिंग होता है। रैफ्टिंग का फेयर मुझे अभी आइडिया नहीं है, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे कुछ 1000 रुपये के आसपास था, इस बार मुझे पता नहीं अभी रेट ज़्यादा हुआ कम हुआ। तो आप एक बार व्यू एंजॉय करो, आयो वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और आगे ऐसे ही हमारा ट्रैवल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम लोग पहुंच गए कुल्लू। कुल्लू ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है मनाली से, कुछ 30-35 किलोमीटर डिस्टेंस ही है। और आप देख सकते हो रास्ते में ट्रक भर के सब एफएल जा रहा है, जो आप लोग बोलते हैं ना कि मनाली का एफएल, कुल्लू का, हिमाचल का एफएल बोल के हम लोग जो मार्केट से लेते हैं, वो सब यहीं से जाता है। ये आप सब जो भी ट्रक देख रहे हो यहाँ से सब एफएल भर के जाता है। अब जब भी इधर आएंगे मनाली में, तो मेरे हिसाब से आप अपने लिए और फैमिली दोस्तों के लिए ऐसे एप्पल जरूर लेके जाना, क्योंकि आपको एक तो सस्ते में मिलेगा और यहाँ पे मतलब नेचर वाला मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई काफ़ी पुराना या काफ़ी दिन का हो गया ऐसे एप्पल,
आप बिल्कुल टटका ले सकते हो यहाँ से और आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। अभी हम लोग पहुँच गए करीब करीब हमारे स्टैंड के पास। अभी हम लोग स्टैंड पे आ गए, यहाँ पे बस करीब हमें एक घंटे तक रुके थे। और अब दूर में जो आप देख रहे हो शॉप एप्पल का स्टॉल लगा हुआ है दो तीन, तो अपने लिए भी यहाँ से खरीदी कर सकते हो बहुत ही सस्ते में। जो अपने सिटी से लेते हो भाई उससे भी आधे से भी कम रेट में आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।